नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। जदयू के प्रदेश महासचिव महिला डॉक्टर अस्मा परवीन महुआ के विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों का दौरा किया और इसी के साथ ईद जैसे महापर्व को देखते हुए आमजनों में सेवई भी बांटी गई। कोरोना वायरस की वजह से जदयू की प्रदेश महासचिव महिला डॉक्टर अस्मा परवीन ने शुक्रवार को महुआ के विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों का दौरा किया। उन्होंने ईद जैसे महापर्व को देखते हुए आमजनों में सेवई बांटी और इसी के साथ महुआ विधानसभा क्षेत्र के परसोनिया, हसनपुर, ओष्टी, चहराकला, जलालपुर घंटी, शाहपुर खुद, मुस्तफापुर आदि जगहों का दौरा किया और सैकड़ों लोगों के बीच सेवई का वितरण किया। इस बीच उन्होंने आमजनों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए बड़े ही सादगी और सतर्कता से पर्व मनाए जाने की अपील की। वहीं कोरोना महामारी के कारण ईदगाह मस्जिद भी बंद है, ऐसे में उन्होंने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की। वहीं कुछ लोगों को मास्क, साबुन आदि का वितरण किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज, राजकमल जायसवाल, मोहम्मद दिलशाद, अभिषेक शुक्ला, रवि कुमार, अमित कुमार आदि लोग भी उपस्थित थे। मैं डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जनता दल यूनाइटेड, आप सभी को ईद के इस पाक अवसर पर पूरे देशवासी, बिहारवासी और खासकर अपने महुआ वासियों को दिल से बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब हंसी खुशी मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाएं और सोशल डिस्टेंस को जरूर मेंटेन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एचपीएन न्यूज़।